बिहार के महान कवि मिथिला के शान विद्यापति जी के जन्म स्थल बिस्फी से एक रिपोर्ट। बिहार के महान कवि विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में आधिकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मैथिली के लोगों को देसी बयाना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जनचेतना को जीवित करने का महत्व प्रयास किया है। उनके जन्म स्थल बिस्फी, जिसे बिहार सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, लेकिन इस पर्यटन स्थल की हालात दिनों दिन बदतर होती जा रही है। विद्यापति की जन्म स्थल जहाँ पर उनका मंदिर स्थापित है, याद को संजोए रखने के लिए इस महान कवि की प्रतिमा स्थापित है। इनके प्रतिमा के पास ही एक पोखर तालाब है, जो किसी समय पूरे मिथिला में प्रसिद्ध तथा सबसे बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। आज उसके हालात एक खत्ता की तरह हो चुका है। तालाब में लोगों ने अपना घर बना लिया है। माना जाता है कि यह तालाब लगभग 1 एकड़ से ज्यादा में बना हुआ था। अब क्या हालत है आप खुद देख सकते हैं। तालाब भरा गया है ना? पब्लिक रहेगा, उसके बाल बच्चे इसमें डूबेगा। वो तो मट्टी खना के ले गया, इतना गड्ढा ये थोड़ी था। गड्ढा इतने का मंदिर के अंदर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यह विद्यापति जी का मंदिर है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हालांकि अंदर से पूजा होने की आवाज आ रहे हैं। मेन गेट के अंदर ही एक बोर्ड लगा है, इस पर यहाँ का पता ठिकाना लिखा हुआ है। अंदर हैंडपम्प है, जो लगता है कि बरसों से नहीं चलाया गया है या इसमें पानी नहीं आया हो। हालांकि अंदर की रख रखाव ठीक ठाक लग रहा है। विद्यापति जी के प्रतिमा आप देख सकते हैं। बिहार सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दे रखा है। इसके बावजूद यहाँ पर विकास कार्य देख सकते हैं किस तरह से लचर व्यवस्था में है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है विद्यापति जन्म स्थली बिस्फी। एक लकड़ी की दरवाजा जिसमें ताला लगा हुआ है। माना जाता है कि विद्यापति जी के जन्म इसी स्थान पर हुआ था। हालांकि साहित्य और इतिहास में अलग अलग वर्णित है। यहाँ पर एक सुरंग है। माना जाता है कि विद्यापति जी रोज सुबह यहीं से होकर नित्य रोज स्नान करने जाते थे। अब यह तो पता नहीं लग सका है कि आखिर स्नान करने के लिए सुरंग की रास्ता क्यों बनाया गया था। मंदिर में सोलर लाइट की व्यवस्था है। हालांकि गांव में बिजली भी 18 घंटे रहती है। विद्यापति जी का मंच यहाँ पर बैठकर विद्यापति जी काव्य की रचना किया करते थे। हर साल दीपावली में लोग यहां पर दीप जलाते हैं। माना जाता है कि हर घर से लोग आकर यहां दीप जलाते हैं और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। मधुबनी से बिस्फी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। रतन की आवाज़।